अध्यक्ष जी, जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस मीटिंग की, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी विधायकगण, सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्षगण, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, प्रदेश के अध्यक्षगण, और बहुत लंबी बात हो गई और आज इफ्तार भी है, पता नहीं अध्यक्ष जी तो शायद पहले ही आप लोगों को आमंत्रित कर दिया होगा कि आज इफ्तार पार्टी में सबको साथ रहना है वहाँ पर, और इसको देखते हुए हम तो यही कहना चाहते हैं, उल्टी गंगा बहा दी आप पांडे जी ने। अध्यक्षीय भाषण लास्ट में होता है और हम तो आपका संरक्षक हैं, तो हमको पहले बोल देना चाहिए था, लेकिन बाद में मौका दिया गया तो सबका नाम हम नहीं ले सकेंगे क्योंकि सबका नाम ले लिया गया है। हम सिर्फ और सिर्फ कुछ बिंदुओं पर एक बात करना चाहते हैं कि आज इस बैठक का फलाफल क्या हुआ, क्या हम लोगों ने निर्णय लिया, तो उस पर रेजोल्यूशन शायद पांडे जी बनाए होंगे और उसको पढ़ देना चाहिए सामने, सबसे इंडोर्स करा लेना चाहिए कि इन इन बातों पर हम लोगों ने विचार किया। तो एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम गठबंधन में हैं, बल्कि दबाव आज हम लोगों पर बहुत है, चाहे जिस गठबंधन में हैं तो या जिस गठबंधन में नहीं हैं तो। अस्पष्टता हमारी एक कमजोरी रही है, इसलिए मैं कहता हूँ दबाव इस कदर है कि आप मेरे साथ चले आइए, आप मेरे साथ चले आइए। और इसी में नीतीश कुमार जी पूर्णिया में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मांझी जी हम ही सब कुछ आपको देंगे, हम ही आपको सब कुछ बनाएंगे, ये भी सुना आप लोगों ने। तो ये बात ज़रूर है कि हम लोगों को निर्णय लेना होगा। वैसे कोर कमेटी है, पूर्ण रूप में अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन एक निर्णय की घड़ी आ चुकी है हम लोगों के पास, क्या करना है। और एक बात सही है, कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं कि अपने पार्टी को विलय कर दीजिए, और मैं समझता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, वोटर कहिए, नहीं चाहता है कि हम किसी पार्टी के साथ विलय करें, बात ऐसी है ना। हम किसी भी कॉस्ट पर किसी भी पार्टी के साथ विलय नहीं करेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निर्णय है। दूसरी बात इसमें कहना है, ये जो हम कहना चाह रहे थे कि जब हम सेपरेट आइडेंटिटी बना कर रखे हुए हैं, सेपरेट पहचान हमारा रखा हुआ है, तो जो समस्याएं हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत बार बोल रहे हैं, राष्ट्रीय या प्रांतीय, तो हम लोग भले संतोष जी मंत्री हैं और मंत्री के रहते वो हमारे मूवमेंट में साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम कार्यकर्तागण, हम पदाधिकारीगण समस्याओं को लेकर के जब सचिन पायलट अशोक गहलोत के अगेंस्ट में अनशन कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, तो जीतन मांझी क्या नीतीश कुमार के अगेंस्ट में नहीं कर सकता है। सामाजिक सार्वजनिक जिसकी चर्चा कर रहे थे, हम बोल देते हैं समय समय पर,
उसका किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आता, ये दुखद बात है। अभी हाल ही में एक जगह हमने कहा कि भाई जीतन मांझी का, ये नहीं जीतन मांझी नाम नहीं लिया, हमने कहा कि 2015 में एक निर्णय था कि 5 डिसमिल जमीन देन लेंगे और उनको एक रहने योग्य मकान बनाएंगे जिसमें 2 कमरा रहेगा, गौशाला रहेगा, शौचालय रहेगा और पानी रहेगा, बिजली रहेगी, इस तरह की व्यवस्था हम कर देंगे, जिसमें उस समय, जिस समय 2015 की बात थी, 3.25 लाख रुपया खर्च होने की बात आई थी और उस समय व्यास जी थे प्रधान सचिव, हम लोगों ने अंकित किया था कि करीब करीब 7 या 8 लाख मकान बना देने पर यहाँ सेचुरेशन हो जाता, यानी सबको मकान मिल जाता। लेकिन आज 5 डिसमिल क्या है, अभी बोल रहे थे चंद्रा जी या कौन कि हमारे वो दरभंगा वाले लोग कि 1-1 डिसमिल दिया जाता है, या हमारे मुंगेर वाले लोग बोल रहे थे 1-1 डिसमिल किया जाता है, ये कौन बात है भाई। जब 5 डिसमिल की बात है तो फिर 1 डिसमिल क्या है, 5 डिसमिल कैबिनेट से पारित है तो फिर 1 डिसमिल और 3 डिसमिल और 2 डिसमिल की बात कहाँ आती है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो पार्टी बनी है, इसीलिए बनी है कि 2015 और 14 में जो निर्णय लिए गए थे उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो इम्प्लीमेंट कराना है तो सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट ये कराना होगा कि हम 5 डिसमिल जमीन ले के रहेंगे, दिला के रहेंगे, इसके लिए आंदोलन करना होगा। एक जो ज़मीन की बात है, हमको मालूम है, ऐसे बताते हैं कि भूरान को ज़मीन को, भूरान के लिए ज़मीन 8 लाख एकड़ ज़मीन मिली है, लेकिन अगर कहा जाए अधिशेष भूमि बिहार सरकार की भूमि तो सब मिला के लगभग 20 लाख एकड़ ज़मीन बिहार में है, लेकिन कहीं हमारे कब्जे में नहीं है, कभी बेकार है, कभी दूसरे के कब्जे में है, और हमारे पास भूमिहीनों की, खेती के लिए भूमिहीनों की संख्या अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 12-13 लाख से ज़्यादा नहीं होती। इसीलिए 2015 में निर्णय लिया गया था व्यास जी के समय में कि 2015 के 30 जून तक हम लोग 5 डिसमिल ज़मीन दे देंगे, 1 एकड़ ज़मीन दे देंगे, सरकारी ज़मीन, शेष अधिशेष की ज़मीन, भूदान की ज़मीन सफिशियंट हो जाती है तो ठीक, और नहीं तो मार्केट रेट से ज़मीन खरीद करके हम देंगे, ये निर्णय हो गया था उस समय। वो निर्णय क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके लिए अगर आंदोलन करने की ज़रूरत होगी तो हम जिला वाइज आंदोलन करने के लिए तैयार रहें, हम ये कहना चाहते हैं आज के समय। अभी हाल में